रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर दुनिया भर के देशों की नजर है। युद्ध भले ही दो देशों के बीच चल रहा हो, लेकिन किसी ना किसी लिहाज से सभी देश इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। बीते 55 दिनों से जारी इस युद्ध के बीच रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और इसके 3 दिनों के बाद ही 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर डेटेरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था, जिसके बाद परमाणु हमले की आशंकाओं से भरी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया और परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए कई देश इसके खिलाफ आ गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आधा सैकड़ा दिनों को पार कर चुका है, लेकिन अभी किसी अंजाम तक जाता नजर नहीं आ रहा, बल्कि दिन ब दिन युद्ध और भीषण शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रूस अब टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया भर के देशों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। बता दें कि जिन टैक्टिकल परमाणु हथियारों का जिक्र जेलेंस्की ने किया है, वो परमाणु हथियारों की ही एक कैटेगरी में शामिल है। परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटजिक और दूसरा टैक्टिकल। दोनों के फर्क को ऐसे समझा जा सकता है कि स्ट्रेटजिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जाता है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना होता है। वहीं टैक्टिकल परमाणु हथियार कम दूरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये स्ट्रेटजिक परमाणु हथियार की तुलना में कम तबाही मचाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार का मकसद विशेष रूप से जंग के मैदान और सैन्य ठिकानों को तबाह करना होता है। इसमें छोटे बम, मिसाइलें और माइंस भी शामिल होती हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार के साइज की बात करें तो ये 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक का हो सकता है। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उसका साइज 15 किलो टन का था और उससे 1.46 लाख लोगों की मौत हुई थी। रूस के पास आज के समय में 2000 से ज्यादा टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 200 हैं। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने के मामले में भी रूस अव्वल है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, ये बात सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही नहीं बल्कि अमेरिका भी कह रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि लंबी खिंचती जंग से पुतिन हताश हैं, जिसके चलते युद्ध के बीच रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया भर के देशों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।